तो दोस्तों रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के एक दिन समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अप्रैल 16, 2019 और डे है ट्यूसडे। आज की वीडियो में हम लोग 15th और 16th of April 2019 की खबरें डिस्कशन में लेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आई एम दी ओनली एजुकेटर जो आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर शो लेकर आता है। आज सबके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इथेनॉल प्रोडक्शन आर ट्रू। इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेट करते हुए कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है, इन इंडिया इथेनॉल प्रोडक्शन इज मोस्टली बाय फर्मेंटिंग मोलासेस टू मीट द एनुअल टारगेट ऑफ 5% ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल विद इथेनॉल। हम लोग यहाँ पे मोलासेस को फर्मेंट करते हैं, जिससे हम लोग 5% जो ब्लेंडिंग करना चाहते हैं पेट्रोल के और इथेनॉल के बीच में, उसको अचीव कर सके। दूसरी स्टेटमेंट है कि इंडिया का टारगेट है कि हम लोग पेट्रोल को ब्लेंड करेंगे विद 20% ऑफ बायोफ्यूल बाय 2022 विदाउट यूजिंग सोर्सेज सच एज राइस एंड व्हीट स्ट्रॉ विच आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर एड्रेसिंग द फूड इन्फ्लेशन। तो हम लोग जो यहाँ पर मीट करने वाले हैं 20% ऑफ द बायोफ्यूल बाय 2022, वो हम लोग अचीव करेंगे और इनमें हम लोग राइस और व्हीट स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी स्टेटमेंट है लिग्नोसेलुलोस के बारे में, कि जो लिग्नोसेलुलोस है इट इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल रॉ मटेरियल ऑन द अर्थ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स मेनली बायो इथेनॉल। जो लिग्नोसेलुलोस है वो सबसे ज़्यादा पाने वाला यहाँ पर रॉ मटेरियल है हमारी अर्थ के ऊपर, जिसकी मदद से हम लोग बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only या D all of the above। अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 15th ऑफ अप्रैल 2019 की खबरों के साथ। पहली खबर आप लोगों को पेज नंबर 5 पे मिलती है, लिपस्टिक सीड्स ग्रोन बाय ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश अ बिग हिट। यहाँ पे लिपस्टिक सीड के बारे में बात हो रही है। अक्सर जो लड़कियाँ होती हैं, महिलाएँ होती हैं, वो लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं एज अ स्टाइल स्टेटमेंट भी। उनको प्राइड लगता है इन चीज़ों को वियर अप करने में, और उनके वैनिटी बॉक्स का और वैनिटी टेबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम होता है लिपस्टिक। बट क्या आपको पता है कि लिपस्टिक किस पर्टिकुलर चीज़ से बनती है? चांसेस ये है कि ये जो कलर्ड कॉस्मेटिक आइटम है वो एक ऐसी चीज से मैन्युफैक्चर हुआ हो जो कि एक नॉन कार्सिनोजेनिक चीज है। नॉन कार्सिनोजेनिक, देखो सबसे पहले यहां जो शब्द आया है वो है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, वो चीज़ें जो कि कैंसर पहुंचा सकती हैं, जो कि कैंसर कॉज कर सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर। और यहाँ पे नॉन कैंसर कॉजिंग लिपस्टिक सीड्स के बारे में बात हो रही है, नॉन कार्सिनोजेनिक लिपस्टिक सीड के बारे में बात हो रही है, जो कि ग्रो की जाती है बाय द आदिवासी हैबिटेशंस इन रामपा चोदावरम, चापरैया एंड मरे डुमिली इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे बेसिकली आप राइट हैंड साइड पे जो फार्मर देख रहे हो, इन्हें भी नहीं पता है कि इन सीड्स का इस्तेमाल होता किन तरीके से है, बट ये इन पर्टिकुलर सीड्स को इसलिए ग्रो करती हैं क्योंकि ये इन्हें साल में 3 बारी यहाँ पर रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती हैं। इन सीड्स को हम लोग अन्नाटो सीड्स के नाम से जानते हैं, अन्नाटो सीड्स, या इन्हें लिपस्टिक सीड्स कहते हैं, या लोकल इन्हें जाबरा सीड्स के नाम से भी कहा जाता है। जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं वो इन लोगों से खरीद लेते हैं और इन पर्टिकुलर सीड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है पूरी की पूरी दुनिया में एज अ नेचुरल कलर एजेंट, और इनको नॉन कार्सिनोजेनिक माना जाता है। एज वेल एज जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन सीड्स के बारे में, इनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं बहुत सारी। यहाँ पर जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, वीक बोन्स की प्रॉब्लम होती है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, आई एलमेंट होते हैं, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अंदर भी इन जाबरा सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कि अनाटो सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो इनके बैकयार्ड्स हैं वहाँ पे ये वाइल्ड टर्मरिक टबैको के साथ यहाँ पे जो अनाटो की सीड्स हैं उन्हें ग्रो करते हैं। बिसाइड लिपस्टिक जो इस प्लांट की सीड हैं उनका इस्तेमाल एज अ नेचुरल कलरिंग एजेंट चीज़ के अंदर किया जाता है, फूड प्रिपरेशन के अंदर किया जाता है, बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर किया जाता है, और मिठाइयों के अंदर किया जाता है पूरी की पूरी दुनिया में। ये एक रेयर सीड्स हैं इसलिए इनके कोई भी प्राइजेस फिक्स नहीं है और इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइज ट्रेड नहीं होता क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ग्रो होती हैं। तो यहाँ पर सरकार को देखना है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि कॉस्मेटिक आइटम पूरी
दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स है, उनका ट्रेड बहुत बड़ा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इन सीड्स की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके और हमारे देश में और भी जगहों पर यहाँ पर जो हमारी अन्नाटो सीड्स हैं या जाबरा सीड्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे आपको खबर मिलती है C295 प्लेन डील्स इन फाइनल स्टेजेस। देखो यहाँ पे बात हो रही है C295 प्लेन के बारे में और भी बहुत सारे ऐसे प्लेन्स के बारे में, ऐसे हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट के बारे में जो कि अभी पेंडिंग स्टेजेस के अंदर है। क्यों? क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि उसको अप्रूव करेगी, अभी उसकी जो मीटिंग है शेड्यूल्ड वो यहाँ पर जून जुलाई के अंदर है। कारण ये है क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के बीच में डीएचसी की मीटिंग नहीं रखी जा सकती, इसीलिए जो पेंडिंग अप्रूवल्स हैं वो जून जुलाई में ही जाकर हो सकते हैं। एक छोटा सवाल आप लोगों के लिए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है, हु हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये चीज़ मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ, ये आपके लिए छोटा सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके मुझे जरूर बताना। तो इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे ऐसे प्रपोजल हैं जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने आएंगे जब यहां पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जून के अंदर मिलेगी आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन। यहाँ पे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बात की जाएगी क्योंकि जो C295 एयरक्राफ्ट है वो रिप्लेस करेगा एवरोफ्लीट एयरक्राफ्ट को। इसके साथ साथ जो डीएससी की मीटिंग है वो होगी तो उसके अंदर और भी बहुत सारे पेंडिंग अप्रूवल होंगे, जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 114 फाइटर जेट्स एंड द फ्रेश प्रपोजल फॉर 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स जो कि यहाँ पर पहले कैंसिल आउट कर दिए गए थे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सोल बिड है C295 की वो टाटा और एयरबस ने लगाई थी जिसको अप्रूव कर दिया गया था बाय द डीएसी इन मई 2015, बट इस प्रपोजल के अंदर कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले और चेंजेस के बाद, रिपीटेड चेंजेस के बाद यहाँ पर फिर से उसको यहाँ पर डीएसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो डील है इट हैज बिकम मोर क्रिटिकल एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट टू जॉइंटली को डेवलप एंड प्रोड्यूस अ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया और रशिया साथ में मिलकर बना रहे हैं ऑफ 20 टन्स टू रिप्लेस द AN-32S इन सर्विस वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर द इनिशियल डिजाइन डिस्कशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि देखो हमारे जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैं वो भी डिले हो जाते हैं ड्यू टू द इलेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर डीएसी जैसी जो बड़ी बड़ी कमेटी होती हैं वो कुछ बड़े फैसले नहीं ले सकती जब तक यहाँ पर इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आ जाते। पेज नंबर 7 पे आपको एक और खबर मिलती है, इंडिया शॉर्ट ऑफ 6 लाख डॉक्टर्स एंड 2 मिलियन नर्सेज सेज यूएस स्टडी। यहाँ पे यूएस बेस्ड सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी CDDEP ने एक यहाँ पे स्टडी करी है, एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर कमी है 6 लाख डॉक्टर्स की और 20 लाख नर्सेज की, 2 मिलियन नर्सेज की यहाँ पे कमी है। और साइंटिस्ट ने यहाँ पे देखा है कि लैक ऑफ स्टाफ है जो कि प्रॉपरली ट्रेंड है इन द एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीबायोटिक्स एंड प्रिवेंटिंग पेशेंट्स फ्रॉम असेसिंग द लाइफ सेविंग ड्रग्स। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते और उनकी जेब से जो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होते हैं मेडिकल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। साथ ही यहाँ बताया गया कि 65% जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होते हैं वो आउट ऑफ पॉकेट होते हैं और इस सिनेरियो के अंदर हर साल 57 मिलियन लोग हर साल पॉवर्टी के अंदर चले जाते हैं, मतलब वो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं बट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाते हैं। जो मेजॉरिटी है पूरी दुनिया की, द वर्ल्ड्स एनुअल 5.7 मिलियन एंटीबायोटिक ट्रीटेबल डेथ्स अक्कर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ये वो वाली डेथ होती हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता था पर यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं वहाँ पे पहुँच पाती है, उन लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती है, वो लोग यहाँ पे अवेल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे अगर मोर्टैलिटी बर्डन की बात करें फ्रॉम द ट्रेसेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो भी एक्सीड करता है द एस्टिमेटेड एनुअल ऑफ 7 लाख डेथ्स फ्रॉम द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। जिन रेजिस्टेंट से यहाँ पर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट कर लेते हैं कुछ बैक्टीरिया उनकी वजह से जो डेथ होती है वो भी 7 लाख से ज़्यादा होने लगी हैं। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक गवर्नमेंट डॉक्टर है 10,189 लोगों के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा खराब रेशियो है। अकॉर्डिंग टू द WHO एक यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए 1,000 लोगों के लिए। साथ ही यहाँ पे डेफिसिट है 6 लाख डॉक्टर्स का। नर्स टू पेशेंट रेशियो को अगर हम लोग बात करते हैं वो भी यहाँ पे 1,148 का 1:483 का यहाँ पे एक रेशियो है जो कि इंप्लाई करता है शॉर्टेज ऑफ 2 मिलियन नर्सेज इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसने बताई है कि जो नई जो एंटीबायोटिक्स हैं या रेगुलेटरी हर्डल्स हैं या सब्सटेंसल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या जो डिले हो जाती है हेल्थ फैसिलिटी को देने में वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इंडिया के अंदर। यहाँ पे जो रिसर्च है उन्होंने देखा कि जो 21 नए एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मार्केट में एंटर किए 1999 से 2014 के बीच में विद लेस देन 5 वर रजिस्टर्ड इन मोस्ट कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका। इनमें से 5 से भी कम को रजिस्टर किया गया सब सहारन अफ्रीका
अफ्रीका के अंदर। और रजिस्टर करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो लोगों को उनकी जगह पर मिल ही जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि देश रजिस्टर कर लेते हैं कि हाँ हमारे पास ये मेडिसिन है, पर वो मेडिसिन यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुँच पाती। वर्ल्ड वाइड जो इरेशनल यूज़ है एंटीबायोटिक्स का या पुअर एंटी माइक्रोबियल स्टीवरशिप जो चल रही है उसकी वजह से ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, यहाँ पे स्प्रेड हो रही है ड्रग रेजिस्टेंट वाली जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, और वो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स की वो भी हमें धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे आपको खबर मिलती है यूगर्स के बारे में। यूगर्स इन ऑस्ट्रेलिया सीक आंसर। तो देखो ये वाली जो न्यूज़ है इसके जब हम लोग आज ही के पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर 15th ऑफ अप्रैल की खबरें स्टार्ट करेंगे तो मैंने इसको बहुत ही एक्सटेंसिव रूप से डिफाइन किया है इस पर्टिकुलर न्यूज़ को, वहां पे देखेंगे, नहीं तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। पेज 13 की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई सेट्स शेयरिंग पेस वाइल ई वॉलेट वॉबल। यहाँ पे बात की गई है, कुछ कंपैरिजन है यूपीआई के बीच में, ई वॉलेट के बीच में, डेबिट कार्ड के बीच में और क्रेडिट कार्ड के बीच में। हम लोग देखते हैं कि जो डिजिटल पेमेंट है ओवरऑल वो स्ट्रांगली ग्रो हो रही है, खासकर 2014 के बाद सबसे 4G इंट्रोड्यूस हुआ, फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों ने यहाँ पे वॉलेट सिस्टम का यूपीआई का इस्तेमाल करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चालू कर दिया, और भी सरकार ने जितनी मैक्सिमम चीज़ें थी उन्हें बैंक टू बैंक मेथड से या वॉलेट टू वॉलेट मेथड से लेकर आने की कोशिश करी। यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर ने यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ डेटा को एनालाइज किया और यहाँ पर बताया कि नॉस्टैश जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है NPCI है और कुछ जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं फ्रॉम अप्रैल 2018 टू मार्च 2019 उन्होंने शो किया है कि दैट नॉट ओनली द यूपीआई प्लेटफॉर्म आउट परफॉर्म्स द ई वॉलेट, यूपीआई प्लेटफॉर्म की जो परफॉर्मेंस है वो ई वॉलेट से बहुत ज़्यादा बेहतर रही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन डन, बट यहाँ पे जो ई वॉलेट की जो मार्केट शेयर है उसको भी कहीं ना कहीं जो यूपीआई सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो पेमेंट यहाँ पे यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ की जा रही है, इट्स अ रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ 400% 400% से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली इन द अप्रैल टू मार्च पीरियड, फ्रॉम अ लिटिल मोर देन 27,000 करोड़ इन अप्रैल 2018 टू 1.35 लाख करोड़ इन मार्च 2019। साथ ही यहाँ पे जब द हिंदू ने मोबीक्विक, अमेजोन, पेटीएम वगैरह जितने भी हमारे यहाँ पे वॉलेट वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे बातचीत करी तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया, बट अनऑफिशियली जो चीज़ें आई हैं उनके अंदर यही है कि उनको भी खुद डर लग रहा है कि जो ई वॉलेट की मार्केट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ड्यू टू द यूपीआई सिस्टम। अब लोग यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सबसे पहला है यहाँ पे ट्रस्ट। लोगों को वॉलेट के ऊपर अभी भी ट्रस्ट नहीं है, लोगों को लगता है यूपीआई के अंदर यहाँ पे बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, B2B ट्रांसफर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और सेफ होता है, ओके, क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांसफर लोग पहले भी करते आए हैं, चाहे चेक्स के थ्रू करें या DD के थ्रू करें, ओके, इट इज़ अ बैंक टू बैंक ट्रांसफर, देयर इज़ अ डेफिनेट कॉम्पिटिशन जो कि UPI और यहाँ पर हमारे वॉलेट्स के बीच में चल रहा है। लोग यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं कि उनके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली यहाँ पे पैसे चले जाएं, और वॉलेट के अंदर लोगों को थोड़ी मुसीबतें ये भी लगती हैं कि उन्हें पहले टॉपअप करना पड़ता है, वॉलेट के अंदर पैसे डालने पड़ते हैं बैंक से, तो इसका अच्छा ये है कि सीधा बैंक से ही दूसरे के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लोगों का मानना है कि UPI एक बहुत ही अच्छा और ग्रेट सॉल्यूशन है, बट उसके अंदर कुछ जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसी हैं कि मोबाइल फ़ोन नंबर्स यहाँ पे लिंक करने पड़ते हैं, बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ता है, डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ता है, तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और सिंपल यहाँ पे UPI के सिस्टम को बना दिया जाए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो शुरू से ही लोग डेबिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन टू द क्रेडिट कार्ड्स, एंड डेबिट कार्ड्स आर मोर पॉपुलर देन द क्रेडिट कार्ड्स, ओके। इसी से रिलेटेड यहां पर एक ग्राफ भी आप लोगों को देखने को मिला जो कि यही सब चीजें शो ऑफ करता था कि यहां पर आप देख सकते हो UPI का क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू रहा, फिर यहां पर आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड का क्या ट्रांजेक्शन रहा, ई वॉलेट का क्या ट्रांजेक्शन रहा, और डेबिट कार्ड का तो ऑब्वियसली इससे ऊपर ही जाएगा। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। नंबर 1, कस्टमर फाइंड UPI अ मोर कन्वीनियंट ऑप्शन, लोगों को UPI ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है। नंबर 2, ई वॉलेट की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन, और नंबर 3, डेबिट कार्ड आज भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, बट UPI धीरे धीरे डेबिट कार्ड को कैच करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ पेज नंबर 13 आपको खबर मिलती है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन मेक्स फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट। दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन के बारे में बात हो रही है, नाम है स्ट्रैटोलॉन्च। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जामिनेशन के लिए इसका नेम ही याद रखोगे, दैट इज स्ट्रैटोलॉन्च, ओके, स्ट्रैटोलॉन्च इसका नाम है। 2 फ्यूजलेजेस हैं और 6 बोइंग 747 इंजन के हिसाब से इसे बनाया गया है, तो 6 बोइंग 747 इंजन हैं इसके अंदर, आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से 2
प्लेन्स हैं उनको यहाँ पर एक इतने बड़े विंग से यहाँ पे कनेक्ट किया जाए है। जो विंग है उसका जो यहाँ पे आप लोग लेंथ देखोगे 117 मीटर की है, 117 मीटर की यहाँ पर इसकी विंग स्पैन है। और यहाँ पे इसको दो पायलट यहाँ पे कंट्रोलर भी इसको यहाँ पर चलाएंगे। कि दिस इज द पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ स्टेटो लॉन्च। नाउ लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड 16th of April 2019, मतलब आज की खबरों को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पेज नंबर वन आपको खबर मिलती है, इलेक्शन कमीशन कर्व्स कैंपेनिंग बाय योगी मायावती मेनका एंड आजम। देखो मैंने आपको बार बार बताया कि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना चालू हुआ है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड यहां पर रखता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने यहां पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करी ऑन द कैंपेनिंग ऑफ 4 सीनियर पॉलिटिशियंस, 4 बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर यहां पे कर्ब लगा दिया गया है। क्यों बोला गया है कि उन लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। यहाँ पे मायावती हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, दे हैव बीन सेंसर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर देयर रिमार्क्स ड्यूरिंग द कैंपेन रैलीज। कि उन्होंने जो रिमार्क यहाँ पे कैंपेन रैलीज में किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको बैन कर दिया गया है कि अब वो कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की कैंपेनिंग को स्टॉप कर दिया है फॉर 72 आवर्स। 72 आवर्स के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कुछ भी कैंपेनिंग नहीं कर सकेंगे और मायावती भी 48 आवर्स के लिए यहाँ पर कोई भी कैंपेनिंग नहीं कर सकेंगी। इसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी जी के ऊपर भी यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं 48 आवर्स के। और यहां पे जो आजम खान हैं जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भी 72 आवर्स का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो यहां पे बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने अपने यहां पे पावर का इस्तेमाल किया है इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और यहां पे जो इलेक्शन कमीशन के पास इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है टू कंडक्ट द फेयर एंड फ्री इलेक्शन उसका यहां पे इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किया। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर यह है कि कोई भी यहां पर किसी के रिलीजियस चीजों को सामने रखकर, किसी भी कास्ट वाली चीजों को सामने रखकर, किसी लैंग्वेज वाली चीजों को सामने रखकर यहां पर लोगों के जो वोट्स हैं उनको यहां पर खरीदने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। दैट इज द वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि यहां पर उन्होंने वायलेट किया है सेक्शन 123 ऑफ द RPA ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। पेज नंबर वन पे ही आपको अगली खबर मिलती है, सुप्रीम कोर्ट अर्ग्ड आफ्टर पोल पैनल्स काउंसिल सेज इट इज पावरलेस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को एग्जैक्टली 24 घंटे दिए हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे जो लॉयर ने सबमिट किया है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो पावरलेस है और टूथलेस है टू एक्ट अगेंस्ट द रिलीजियस एंड हेट स्पीचेस बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कैंपेन फॉर द लोकसभा इलेक्शन। देखो अभी पीछे ही हम लोगों ने देखा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा सवाल पूछ रही है। देखो ये जो न्यूज़ है ये आपको शायद पिछले महीने, अगर आप मेरे साथ न्यूज़ कवर कर रहे होगे, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पूछा है कि आपके पास क्या क्या पावर हैं जिससे आप यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा सकते हो, लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो ऐसी गलत भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे इस हियरिंग के अंदर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी इवन थ्रेटन टू हैव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द कोर्ट रूम विद इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर इफ द कोर्ट डिड नॉट गेट द इक्वल आंसर टू इट्स क्वेश्चन ऑन द इलेक्शन कमीशन्स पावर अंडर द लॉ अगेंस्ट कैंडिडेट हु स्पेल विट्रियल, जो कि यहाँ पे गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आधे घंटे के अंदर इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग पेश कर देंगे अगर हमें इस चीज़ का जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने इस चीज़ को फाउंड किया कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर नोटिस किए हैं, कुछ इशू किए यहाँ पे कुछ नोटिस फॉर द हेट स्पीचेस एंड कैंपेनिंग फॉर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन ओनली 3 केसेस सो फार, जिसके अंदर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का नाम था, यहाँ पे मायावती जी का नाम था, अब मेनका गांधी हैं और यहाँ पे आजम खान जी हैं, तो इन सब के यहाँ पे नेम थे। बट यहाँ पे बोला गया कि यू आर बेसिकली सेइंग कि इलेक्शन कमीशन टूथलेस है, पावरलेस है अगेंस्ट द हेट स्पीचेस। द मोस्ट यू कैन डू इज सेंड नोटिस टू द ऑफेंडिंग कैंडिडेट। कि आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे किसी को नोटिस दे सकते हो, आप उनके रिप्लाई मांग सकते हो, क्या उससे ज़्यादा आपके पास कोई और अधिकार नहीं है, क्या आप उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेन नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी पावर थी। यहाँ पे जो मिस्टर शर्मा है उन्होंने कंकर किया दैट देर वॉज नो अदर पावर रेस्टेड विद द इलेक्शन कमीशन, वी कैन नॉट डी रिकॉग्नाइज और डिसक्वालीफाई दी पर्सन। साफ यहाँ पे बोला गया कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी पर्सन को डी रिकॉग्नाइज करने की या डिसक्वालीफाई करने की पावर नहीं है और दिस इज दी ओनली पावर कि वो यहाँ पे नोटिस भेज सकते हैं।
इसके साथ साथ इट ऑर्डर्ड एन ईसीआई ऑफिशियल टू बी पर्सनली प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम, कि ईसीआई का कोई ना कोई ऑफिशियल पर्सनली प्रेजेंट रहेगा कोर्ट रूम के अंदर। मिस्टर शर्मा ने यहाँ पे ईसीआई की जो तरफ है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ईसीआई हैड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू एक्ट अगेंस्ट दी हेट स्पीचेस, और जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पे वायलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। जब यहाँ पे पूछा गया कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे बोला गया इट मीन्स अ ड्यूटी बाउंड इंस्ट्रक्शन। कुछ यहाँ पे मैटर में ऐसा होता है जिसमें टाइम लिमिटेड होती है, यहाँ पे एक्ट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि जो यहाँ पे रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो देखो यहाँ पे एक जो बड़ा सवाल हमारे सामने आया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास असलियत में कोई पावर भी है या नहीं। और पिछली आर्टिकल में मैंने आपको इलेक्शन कमीशन की एक बहुत ही अच्छी पावर दिखाई कि उन्होंने देखो लोगों की कैंपेनिंग बैन कर दी क्योंकि यहाँ पे हेट स्पीचेस का इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट आएगा कि इलेक्शन कमीशन अपनी धीरे धीरे पावर का इस्तेमाल करने लगी है। पेज नंबर 1 पे आपको एक और खबर मिलती है, मॉनसून लाइकली टू बी नॉर्मल दिस ईयर सेज अ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि मॉनसून इस साल यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में होने वाला है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आईएमडी लेक्सिकन ने यहाँ पे बोला है कि 96% का फोरकास्ट यहाँ पे मॉनसून का रहेगा, दैट इज नियर नॉर्मल। ठीक है, 90-96% जो रहता है वो नियर नॉर्मल रहता है। और हम लोग यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो एलनीनो का जो असर होगा वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं हमें देखने को मिला। हाउएवर अनसर्टेनिटी क्लाउड्स दिस ऑप्टिमम्स एज द एजेंसीज ओन असेसमेंट सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी फॉर द रेन टू फॉल इन द बिलो नॉर्मल कैटेगरी। अगर हम आईएमडी की माने तो आईएमडी ये भी कह रही है एक तरफ कि यहाँ पे कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बिलो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर हमारा मॉनसून आए। आईएमडी का ये मानना है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एल नीनो यहाँ पे वीकन हो चुका है। बट मैंने आपको एक चीज़ बार बार मैं आपको कहता हूँ कि मान लो किसी पर्टिकुलर साल में एल नीनो बहुत स्ट्रांग रहा और अगले साल यहाँ पर बिल्कुल भी एल नीनो नहीं है, बट उस एल नीनो का असर भी हमें अगले साल तक देखने को मिलता है। ओके, एल नीनो साइकिल दैट इज वार्मिंग दी सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन। जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन होता है वहाँ पे गर्म हो जाता है वो पर्टिकुलर ओशन टेम्परेचर, इस वजह से वहीं पे हमें बरसात देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में ड्रॉट हो जाता है, इससे जो हमारे सदर्न ऑसिलेशन होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं और हमारा जो मॉनसून होता है वो वीक हो जाता है। अ टेम्परेचर राइज ग्रेटर देन 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मंथ्स एट अ टॉट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एल नीनो, और 0.5 डिग्री का जब राइस होता है सेल्सियस अब 1 डिग्री सेल्सियस से हम लोग वीक एल नीनो कंडीशन के अंदर लेते हैं। करेंटली द एल नीनो इज 0.9 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आपको सर्च करके गूगल पे सर्च करना और बताना कि एल नीनो को जो हम लोग मेजर करते हैं वो यहाँ पे दो पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं। ओके, उनको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन दो आइलैंड्स के बीच में यहाँ क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आपको बताना है कि क्या है वो दो आइलैंड्स जिनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस देख के हम लोग यहाँ पर इन डिग्रीज को बताते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्च करना, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ, CCS टू डिसाइड ऑन डुअल कंट्रोल ओवर दी असम राइफल्स। मैंने आप लोगों के साथ अप्रैल 13 के न्यूज़पेपर में डिस्कशन में लिया था कि असम राइफल्स के डुअल कंट्रोल के ऊपर यहाँ पे PIL लगाई गई और भी पहले बहुत सारी PIL लग चुकी है कि असम राइफल्स वैसे तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है बट उसके ऊपर बहुत सारी जो हेड होते हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पर डुअल कंट्रोल की बात आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे कन्वे किया है दिल्ली हाई कोर्ट को अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि वो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के डिसीजन के साथ अवॉइड करेंगे कि डुअल कंट्रोल ऑफ द असम राइफल्स के ऊपर क्या बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है उसको हेड हमारे PM करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। यहाँ पे जो एफिडेविट फाइल किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसी चीज़ को यहाँ पे कन्वे किया। देखो, जो हमारी असम राइफल्स है उसका सबसे पहले नाम क्या था, सेशन लवाई। ओके, 184 ईयर ओल्ड पैरामिलिट्री एंड फोर्स है हमारे देश की, विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पर जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो उसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रहता है। यहाँ पे जो लोग हैं जो असम राइफल्स के अंदर वर्क करते हैं, हमारे जो जवान हैं उनको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी नहीं मिलता है, बहुत सारी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो कि यहाँ पे किसी आर्मी पर्सनल को मिलती हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट इशू है, तो मीटिंग के अंदर इसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा अबाउट द नोट कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी और CCS की मीटिंग
मीटिंग जो हुई थी वो भी यहाँ पे इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। द CCS इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को चेयर करते हैं। इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, इसके साथ साथ होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। नाउ कोर्ट इज नाउ लर्न टू हैव इशूड अ नोटिस टू द कैबिनेट सेक्रेटरी कि वो यहाँ पे इन्फॉर्म करें कि वट डिसीजन द CCS हैड टेकन ऑन द नोट फॉरवर्ड टू इट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसी चीज़ को यहाँ पे हेयर किया जा रहा है कि जो असम राइफल्स है वो डुअल कंट्रोल से यहाँ पे सिंगल कंट्रोल के अंदर आ जाए और जो यहाँ पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं असम राइफल्स के अंदर, जो यहाँ पे सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो यही चाह रहे हैं कि असम राइफल्स यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करने लगे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3। खबर आपको मिलती है सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। यहाँ पे इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी अपनी पहली इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय, जो ओडिशा के अंदर जो टेस्ट रेंज है वहाँ से इसको टेस्ट आउट किया गया। दिस स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल विच कैन बी डिप्लॉयड फ्रॉम अ मल्टीपल प्लेटफॉर्म, हम इसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्लाइट थी इसकी बहुत ही अच्छी रही। द मिसाइल मैजिस्टिकली क्रूज्ड एंड कवर्ड इट्स गिवन रेंज। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टफ अबाउट ए निर्भय मिसाइल। ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इट हैज ब्लेंडेड मिसाइल एंड एरोनॉटिक टेक्नोलॉजीज जो कि अलाउ करते हैं कि ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकती है लाइक अ मिसाइल और क्रूज भी कर सकती है हॉरिजॉन्टली लाइक अ एयरक्राफ्ट। ये एक टू स्टेज मिसाइल है, याद रखना कितने स्टेज की मिसाइल है, ये एक टू स्टेज की मिसाइल है। दैट इज पावर्ड बाय अ सॉलिड रॉकेट मोटर बूस्टर जिसको डेवलप किया है बाय द एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ASL। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 1000 किलोमीटर की है, 1000 किलोमीटर की है। 300 kg का यह वॉरहेड लेकर चल सकती है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वॉर है। और यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर लॉटर और क्रूज की कैपेबिलिटी है 0.7 Mach एट एन एल्टीट्यूड एज लो एज 100 meter। ओके, जो टेरेन हगिंग मिसाइल है ये बिल्कुल जमीन के बिल्कुल एकदम पास से चलती है। ओके, ज़्यादा ऊंचाई पे ये वर्क नहीं करती है और ये बुल्स आई हिट की है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टाइम है, बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड ये पर्टिकुलर मिसाइल होती है। गाइडेंस सिस्टम है इसके अंदर, कंट्रोल सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी INS दी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम अलॉन्ग विद दी GPS सिस्टम। आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हो, नीचे लिखा भी हुआ है निर्भय। ओके, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4। आपको खबर मिलती है स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज एनेक्सियस ओवर द सक्सेसफुल यूज ऑफ RCIED। तो स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारी जो जो हमारी देश की रक्षा करती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में जो यहाँ पे काम करती हैं, दे आर कंसर्न अबाउट द सक्सेसफुल यूज ऑफ रिमोटली कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। जो मायोइस्ट यहाँ पे रिमोट से बम फोड़ते हैं उनको यहाँ पर लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न में है। क्या बोलते हैं उन्हें, रिमोटली कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस कहते हैं, मायोइस्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट फेज हुए थे लोकसभा इलेक्शन के, उसके अंदर भी इस तरीके के हमें डिवाइसेस का इस्तेमाल देखने को मिला। वाइल द रेड लिटरेचर इज फुल ऑफ रेफरेंसेस टू कनेक्शन विद अदर टेरर आउटफिट्स अक्रॉस द कंट्री, हम लोग कहते हैं कि जो मायोस की जो कनेक्शन है वो और भी बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट से है। उन सब चीज़ों को भी हमें देखना है क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। सो वी आर वरिड अबाउट द टाइमिंग जहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा एनहांस टेक्नोलॉजी किस तरीके से आ रही हैं और वो उन्हें डेवलप कैसे कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है। पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है रावत बैट्स फॉर इंडिजीनियाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, वो यहाँ पे इस चीज़ से कंसर्न है कि यहाँ पर जो हम इंडिजीनियाइजेशन से चल रहे हैं वो उसी तरीके से बढ़ता रहे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम लोगों को देखने को मिली। यहाँ पे कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है वीरा। याद रखना नाम क्या है, वीरा। वीरा हमारी एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको LNT शिप बिल्डिंग ने यहाँ पर डेवलप किया है। तो यहाँ पे जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने बोला है फॉर दी एनहैंस्ड कोस्टल सिक्योरिटी, उन्होंने यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जताई है कि किस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर काम कर रही है, इंडिजिनाइजेशन वाली चीज़ों के अंदर वर्क कर रही है, मेक इन इंडिया के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया इस पर्टिकुलर शिप के इंडक्शन को एज दी हिस्टोरिक ओकेजन।
यहाँ पे इन्होंने बात की कि स्टेटिंग दैट द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज द यंगेस्ट फोर्स जिसको क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 1978 के अंदर। उन्होंने बोला गया था कि यहाँ पे इंडिया जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके पास यहाँ पे काम है जो ऑपरेशंस होते हैं जो फुल राउंड द क्लॉक जो सर्विलेंस होती है हमारे कोस्टल एरियाज की और मैरीटाइम सिक्योरिटी की उनको ध्यान में रखना। जनरल विपिन रावत जी ने यह भी बोला कि जो हमारी कोस्ट गार्ड है इट हैड डेवलप्ड फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस टू वर्क एज पर द डिमांड और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जॉइंट ऑपरेशंस के अंदर भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने विद द इंडियन आर्मी। यहाँ पे जो इंडक्शन हुआ है ऑफ द एयर कुशन व्हीकल्स वो यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा कैपेबिलिटी ऑफ द कोस्ट गार्ड्स क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट फोर्स है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। उन्होंने यहाँ पे बोला जो ICG है वो वर्क कर रही है विद द क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन नेवी और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी जिसके लिए हम लोग यहाँ पर अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। यहाँ पे जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने अपना सपोर्ट सिविल अथॉरिटीज़ को भी दिया था। पिछले कई सालों में हम लोगों ने देखा है जब भी नेचुरल कलामिटी हो जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर एज अ ह्यूमैनिटेरियन नीड बहुत सारी मदद करती है। पेज नंबर 7 पे आपको दो और इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है। एक आपको मिलती है दिल्ली CEO राइज टू इलेक्शन कमीशन ऑन मोदी वेब सीरीज़। अब देखो एक बड़ी खबर है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अभी के लिए बैन लगा दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के जो बायोपिक है वो उसकी जो पिक्चर बनी है जिसके अंदर विवेक ओबेरॉय एक्ट कर रहे हैं उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। ओके बट उसके अंदर आपको एक और न्यूज़ बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है इलेक्शन कमीशन को कि पहले आप पिक्चर तो देख लो उसके बाद डिसाइड करना। अब यहाँ पे दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को लिख के बोला है कि एक वेब सीरीज आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और 10 एपिसोड की वो पर्टिकुलर सीरीज है, नाम है मोदी द जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, उसके ऊपर भी एक एक्शन लिया जाए। ओके इट इज बीइंग एयर्ड विदाउट द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मीडिया सर्टिफिकेशन। मीडिया सर्टिफिकेशन नहीं मिला है उससे पहले वो यहां पे जो सीरीज है उसको लॉन्च कर दिया गया है। राइट हैंड साइड पे आपको एक और खबर मिलती है कैबिनेट नॉट फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ डिप्यूटी CAG। यहाँ पे कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसको चेयर कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अप्रूव किया कि एक एडिशनल पोस्ट आएगी ऑफ द डिप्यूटी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ओके एक नई यहाँ पर पोस्ट आएगी, नाम होगा डिप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी उन्होंने बोला इन द पे लेवल 17 इन द ऑफिस ऑफ CAG एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 21 लाख रुपीज। पेज नंबर 7 आपको एक और खबर मिलती है प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स एंट्री ऑफ विमेन इनटू द मॉस्क। तो सबरीमाला टेम्पल के केस के बाद यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपने राइट्स के लिए सबके सामने आ रही हैं क्योंकि सबरीमाला टेम्पल ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि महिलाओं की जो डिग्निटी है वो सबसे ऊपर है। ओके राइट टू इक्वालिटी सबसे ऊपर है। यहाँ पे एक मुस्लिम कपल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं अगेंस्ट द प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री ऑफ मुस्लिम वुमेन इनटू द मॉस्क और यहाँ पे बोला है कि जो मस्जिदों के अंदर जो महिलाओं को एंटर नहीं किया जाता वो यहाँ पे एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं और वो वायलेट करती हैं महिलाओं की डिग्निटी को। यहाँ पे बेसिकली जो मुद्दा है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का है। यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं कि महिलाओं को भी अलाउ किया जाए सारी की सारी मॉस्क के अंदर एंटर करना कटिंग अक्रॉस दी डिनोमिनेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और इस पर्टिकुलर कंसर्न में बताई गई है कि कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जब मक्का के अंदर जाते हैं, मक्का इज दी होली सिटी, जब यहाँ पे मदीना के अंदर जाते हैं, जब यहाँ पे काबा के अंदर जाते हैं तो उस समय यहाँ पर जो मेल होते हैं फीमेल होते हैं वो एक साथ काबा के अराउंड सर्कल करते हैं तो उस समय कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो मस्जिदों के अंदर क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है ये यहाँ पे पुणे बेस्ड कपल हैं यस्मीन जुबैर अहमद और जुबैर अहमद, उन्होंने यहाँ पर पिटीशन सबमिट करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ पे बोला गया है वुमेन आर नाउ अलाउड टू ऑफर प्रेयर्स एट मॉस्क अंडर द जमात ए इस्लामी एंड मुजाहिद डिनोमिनेशंस। मुस्लिम वुमेन्स आर बेयर्ड फ्रॉम द मॉस्क अंडर द प्रीडोमिनेंट सुन्नी फैक्शन। ओके यहाँ पे जो मॉस्क हैं वेयर वुमेन आर अलाउड देयर आर अ सेपरेट एंट्रेंस एंड इंक्लोजर फॉर मेन एंड वुमेन। तो इसके ऊपर भी एक कंसर्न है कि एक सेपरेट एंट्रेंस क्यों यहाँ पर रखा गया है। जो कपल है उन्होंने यहाँ पे अप्रोच किया बहुत सारे इस्लामिक रिलीजियस हेड्स को ऑन दिस पर्टिकुलर इशू बट उन्हें कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। पिटीशन के अंदर बोला कि जो इमाम है जामा मस्जिद के उन्होंने भी यहाँ पे उनको लिखा था बट उन्होंने भी यहाँ पर ही इज़ नॉट श्योर अबाउट द एंट्री ऑफ वुमेन इन दी मॉस्क। यहाँ जो पिटीशन था उन्होंने बोला कि उन्होंने पुलिस को भी रिक्वेस्ट करी थी कि पुलिस आके उनकी सपोर्ट करे और उनको प्रोटेक्शन दे सके जब वो मॉस्क के अंदर एंटर करें बट पुलिस ने भी यहाँ पर प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जो पिटीशन है इट केम सेवरल मंथ्स आफ्टर जब कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन सामने रखा सबरीमाला वर्डिक्ट वाला और महिलाओं की डिग्निटी को यहाँ पर सर्वोपरि पर रखा था। ओके यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई कि जो हाजी अली दरगाह ट्रस्ट है उसने भी इस चीज़ को एग्री किया है इन द सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ वुमेन टू एंटर इन द सैंक्टम ऑफ द हाजी
प्राची अली दरगाह। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक केस हमारे सामने आया है क्योंकि तो महिलाओं की डिग्निटी से यहाँ पे लिंक करता है। पेज नंबर 7 आपको एक और खबर मिलती है, मोर GSLV लॉन्च व्हीकल इन दी ऑफिंग। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए 5 और GSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू 2024 अंडर द नेक्स्ट फेज 4 ऑफ द ऑनगोइंग GSLV कंटिन्यूएशन प्रोग्राम। वन ऑफ देम कुड बी यूज्ड फॉर द सेकेंड मार्स मिशन, जो हम लोग MOM-2 मिशन लेकर आने वाले हैं उसके अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारा जो सबसे एडवांस GSLV है इट इज़ अ GSLV Mark 3 D2 और ये एक बेसिकली 3-stage लॉन्च व्हीकल है जिसकी पहली स्टेज सॉलिड इंजन पे वर्क करती है, दूसरी स्टेज लिक्विड और थर्ड इंजन जो स्टेज है वो हमारी क्रायोजेनिक इंजन पे वर्क करती है। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसको 2003 के अंदर सैंक्शन किया गया था। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये अभी अपनी तीसरी फेज के अंदर चल रहा है, जो एलोकेशन है वो 2729.13 करोड़ रुपीज़ की थी, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ लॉन्चर, ऑगमेंटिंग फैसिलिटी, प्रोग्राम मैनेजमेंट, लॉन्च कैंपेन, ये सारी की सारी चीज़ें थी। जो हमारी इसरो है वो यूज़ करती है GSLV द सेकेंड ऑफ इट्स 3 लॉन्चर्स टू पुट 2000 kg क्लास ऑफ कम्युनिकेशन और बाकी सारी जो सैटेलाइट्स हैं इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट अबाउट 36,000 किलोमीटर अवे। जो GSLV कंटिन्यूएशन प्रोग्राम है जिसका फेज 4 है, इट विल मीट द लॉन्च रिक्वायरमेंट ऑफ सैटेलाइट्स, जिससे हम लोग क्रिटिकल जो सैटेलाइट नेविगेशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकेंगे, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उन्हें भेज सकेंगे, अपने मॉम मिशन को भेज सकेंगे, इवन हमारा जो गगनयान है उसके अंदर भी हम लोग GSLV का ही इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 की तरफ, खबर आपको मिलती है सूडान प्रोटेस्टर्स कॉल फॉर सिविलियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सूडान के अंदर कुछ यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। कल मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा सूडान का मैप, तो सूडान का मैप कल डिस्कशन में लेंगे जिससे मैपिंग भी आपकी क्लियर हो जाए। तो सूडान प्रोटेस्टर्स कॉल फॉर सिविलियन गवर्नमेंट, सूडान के अंदर यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट आए। वो लोग चाहते हैं कि जो नई जो मिलिट्री काउंसिल है उसको ख़त्म कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक सिविलियन गवर्नमेंट आए एट अ सिट इन आउटसाइड द आर्मी हेडक्वार्टर, क्योंकि वहाँ पे सूडान के अंदर जो सरकार है वो असलियत में आर्मी के लोग यहाँ पे चलाते हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट आप कह सकते हो। क्या चाहते हैं और उनकी डिमांड्स क्या क्या है। जो मिलिट्री काउंसिल है हाउएवर मेट विद द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन संडे, वो अर्ज कर रही थी कि यहां पे इंडिपेंडेंट फिगर आए टू बी द प्राइम मिनिस्टर और उसके बेसिस पे हम लोग यहां पे सूडान को गवर्न करें। तो की डिमांड क्या है, एक इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर है टू अ ट्रांजिशनल सिविलियन गवर्नमेंट टू गवर्न अ 4-year टर्म फॉलोड बाय अ इलेक्शन। तो वहां पे इलेक्शन की डिमांड हो रही है और 4 साल के टेन्योर की यहां पे डिमांड हो रही है। डिमांड हो रही है द रिजोल्यूशन ऑफ बशीर नेशनल कांग्रेस पार्टी विद इट्स टॉप लीडर ब्रॉट टू जस्टिस इंक्लूडिंग द आउटस्टेड प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ यहां बात हो रही है कि री इंस्टॉलमेंट हो कंट्री के 2005 के संविधान का, जो संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको री इस्टैब्लिश किया जाए। साथ ही बात हो रही है कि लिबरेशन हो ऑफ ऑल दिस सिविलियन डिटेन्ड, जिनको डिटेन किया गया है जो कि इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के अंदर हैं, और एंड किया जाए ऑफ द स्टेट ऑफ इमरजेंसी बशीर इम्पोस्ट ऑन February 22nd। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में सूडान के अंदर। पेज नंबर 12 खबर कर मिलती है यहाँ पे चाइना और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। चाइना कह रहा है कि चाइना इंतजार करेगा इंडिया का कि इंडिया कब यहाँ पे BRI को पार्टिसिपेट करेगा। तो चाइना ने यहाँ पे सिग्नल किया कि वो तैयार है इंडिया के पार्टिसिपेटिंग के लिए, वेट करने के लिए इन टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया कि इंडिया को जो जो तकलीफें हैं उनको भी चाइना यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नाउ इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ इंडिया एज अ नॉन पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा क्रिएट कर रहा है चाइना के लिए। देखो हमको प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पोर्शन से यहाँ पर आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पास कर रहा है विदाउट आर परमिशन, बिना हमारी परमिशन के वो पास कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। चाइना अपनी पहुंच यहाँ पर यूरोपियन कंट्री तक भी पहुंचा चुका है। आपको पता होगा कि G7 में पहली कंट्री बनी यहाँ पे इटली, जिसने यहाँ पर चाइना के साथ BRI के अंदर जाने का फैसला किया, और अभी रिसेंटली ग्रीस ने भी फैसला किया है कि वो चाइना के साथ जाएगा। तो साइटिंग द सॉवरेन कंसर्न इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइन द BRI, क्योंकि यहाँ पे जो CPEC इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे कश्मीर से पास करती है और ये चीज़ हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12, चाइना इज़ यूजिंग AI टू प्रोफाइल दी यूगर मुस्लिम। आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ नवंबर और दिसंबर के अराउंड एक न्यूज़ डिस्कशन में ली थी जहां मैंने आपको बताया था कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है,
लोगों को बोला जा रहा है कि आपको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उसके लिए आपको चेकअप कराना है, बट उनके चेकअप की जगह उनका यहाँ पर बायोमेट्रिक स्कैन ले लिया जा रहा था, कुछ का यहाँ पर DNA ले लिया जा रहा था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल हो उसको डिटेक्ट किया जा सके, जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। बिना उनकी इन्फॉर्मेशन के उनका सारा का सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो चाइनीज गवर्नमेंट हैज ड्रॉन अ वाइड इंटरनेशनल कंडेमशन, पूरी दुनिया उनको कंडेम कर रही है जिस तरीके से जो यहाँ पे यूगर मुस्लिम से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द चाइना। बेसिकली जो यूगर मुस्लिम उनमें से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया भी शिफ्ट हो चुके हैं, बट ये जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे ट्रेडिशनली चाइना के अंदर रह रहे हैं, इनके साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। इन टू द डिटेंशन कैंप्स ऑल्सो, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, जो इंटरव्यू है, वो इसी चीज़ को शो करते हैं कि यहाँ पे एक सीक्रेट सिस्टम लगाया गया है चाइना के अंदर, जिनके अंदर यहाँ पे एडवांस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रैक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं यूगर्स को। इट इज़ द फर्स्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नमेंट इंटेंशनली यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द रेशियल प्रोफिलिंग, ऐसा यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जिसको यहाँ पे चाइना ने इंटीग्रेट किया है अपने सर्विलियंस कैमरे के साथ, उससे क्या होगा, वो यहाँ पे यूगर्स की जो अपियरेंस है उनके रिकॉर्ड्स उनको रख पाएंगे और वो कहीं भी जाएंगे उनके मूवमेंट को भी ट्रैक कर पाएंगे, कोई भी क्रिमिनल होगा तो भी उसको यहां पे ट्रैक कर पाएंगे। तो चाइना की जो अथॉरिटीज हैं दे हैव ऑलरेडी मेंटेन द वास्ट सर्विलियंस नेट, वो ट्रैक करते हैं लोगों के DNA को इन दी वेस्टर्न रीजन ऑफ जिनजेंग, और यहाँ पे लोग उसका अप्रोच कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनका अपोज कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूगर्स, और उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट एक पर्टिकुलर माहौल चल रहा है। अब बेसिकली हु आर द यूगर्स, ये यूगर्स हैं कौन? तो बेसिकली दे आर द मुस्लिम्स, दे रिगार्ड देमसेल्फ एज कल्चरली एंड एथनिकली क्लोज टू सेंट्रल एशियन नेशंस, वो अपना रिलेशन जो है वो सेंट्रल एशियन नेशंस से मानते हैं। द रीजन्स इकोनॉमी हैज़ फॉर सेंचुरीज रिवॉल्व अराउंड द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड विद टाउन सच एज शगार थ्राइविंग एज हब्स अक्रॉस द फेमस सिल्क रोड। सिल्क रोड के अराउंड ये रहते थे और वहाँ पर ही एग्रीकल्चर और ट्रेड प्रैक्टिसेस करते थे। इन अर्ली 20th century जो यूगर्स हैं वो ब्रीफली उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। द रीजन वॉज बॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ कम्युनिस्ट चाइना इन 1949। जो जिनजियांग है इट इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द ऑटोनॉमस रीजन विद इन द चाइना, जैसे टिबेट को यहाँ पर करता है चाइना अपना ऑटोनॉमस रीजन, पर जिनजियांग रीजन को यूगर्स कहते हैं वो उनका अपना रीजन है। उनके ग्रेवियंस क्या है? तो एक्टिविस्ट कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यूगर्स के रिलीजन को कर्व करती हैं, उनके यहाँ पर जो इस्लाम है उनको फॉलो नहीं करने दे रही, कमर्शियली उन्हें कुछ काम नहीं करने दे रही, उनको कल्चर एक्टिविटीज में यहाँ पे परफॉर्म नहीं करने दे रही, इसलिए वहाँ पे लगातार एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट चल रहा है। ओके, जब बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था 2008 के अंदर, उस समय भी यहाँ पर इसी तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला था। पिछले कुछ डिकेड में हम लोगों ने देखा है कि यूगर्स को बहुत ज़्यादा इंप्रिजन किया जा रहा है, उनको असाइलम में रखा जा रहा है, उनको टेररिज्म के लिए एक्यूज किया जा रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा थ्रेट में रहने लगे हैं चाइना के अंदर। आप खुद इमेजिन करो कि यहाँ पर चाइना के अंदर मुस्लिम्स की किस तरीके से यहाँ पे स्थिति है। ओके, और फिर भी यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो कि चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि किस तरीके से कर्व किया जा रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे आपको खबर मिलती है इंडिया वर्सेस शाइन इन डेरिवेटिव्स। देखो, डेरिवेटिव्स को दो और पर्टिकुलर तरीकों से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक होते हैं वेनिला डेरिवेटिव्स, जो कि यहाँ पर बहुत जनरल डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, जो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। दूसरे होते हैं जिन्हें हम लोग एक्जॉटिक डेरिवेटिव्स कहते हैं, जैसे एनर्जी डेरिवेटिव्स, फ्री डेरिवेटिव्स, इन्फ्लेशन डेरिवेटिव्स, मैक्रो डेरिवेटिव्स, प्रॉपर्टी डेरिवेटिव्स। ओके, तो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करेंगे अ कॉमन पर्टिकुलर डेरिवेटिव इन द मार्केट प्लेस, उनको हम लोग एक्जॉटिक डेरिवेटिव्स कहते हैं। जो इंडियन एक्सचेंजेस होते हैं वो बिल्कुल भी ट्रेडिंग ऑफर नहीं करते एक्जोटिक डेरिवेटिव्स के अंदर, जैसे US और यूरोप की जो डेवलप्ड मार्केट हैं वो ऑफर करती हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक नई रिपोर्ट आई है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की और इंटरनेशनल ऑप्शंस मार्केट एसोसिएशन की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की और BSE की। उन्होंने क्या बोला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो हमारी BSE है वो अकाउंट करते हैं 96% ऑफ द करेंसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन 2018। इससे आगे यहाँ पे बताया गया कि जो NSE है इट वाज द ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इंडेक्स ऑप्शन और एट्थ आती है इन द सिंगल स्टैक ऑप्शन इन द कैलेंडर ईयर 2018।
द ईयर ऑल्सो सॉ इंडियाज लार्जेस्ट बोर्स बींग रैंक्ड सेकेंड इन द वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हो एनएसए की रैंकिंग क्या आई है, 8th सिंगल स्टॉक्स, कोरियन एक्सचेंज की या एनएसई और मॉस्को एक्सचेंज की अगर हम लोग देखें टोटली वो अकाउंट करते हैं 68% ऑफ द टोटल सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स। जो एनएसई है उसकी रैंक आई है सेकेंड इन सिंगल स्टॉक फ्यूचर, और एनएसई की जो रैंक है वो 1st इन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, और जो हमारा एमसीएस है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है उसकी रैंक आई है 8th इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। ओके, तो उसी के बारे में बात की हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेटा स्पेसिफिक चीज़ें हैं, एक बार ही आप लोग पॉज करके इसको जरूर देख लेना। पेज नंबर 14 पे आपको खबर मिलती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू गेट 12 मंथ्स टू सेल दी नॉन कोर असेट्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को बोला जा रहा है कि आपके जो नॉन कोर असेट्स हैं उन्हें आप बेचने का काम यहाँ पे चालू करो, वो असेट्स जो कि आपके काम के नहीं है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी है आपके काम की नहीं है तो आप उसको बेचो, बेचने का चालू करो जिससे उससे यहाँ पे और ज़्यादा पैसे डेवलप हो सके। जो स्टेट रन कंपनीज हैं दे विल हैव 12 मंथ्स टू मोनिटाइज देयर नॉन कोर असेट्स, जो जिनको आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे मिनिस्टेरियल पैनल हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, फेलिंग विच द फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेस्ट्रिक्ट द बजटरी एलोकेशन टू द सीपीएससी। अगर यहाँ पे कोई भी सेल नहीं करता है तो उनके जो बजटरी एलोकेशन होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट जो डीपम है उन्होंने इनकी पर्टिकुलर गाइडलाइंस यहाँ पर सबके सामने इशू करी। इन गाइडलाइन के हिसाब से एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जिसको चेयर किया था सेक्रेटरी ऑफ डीपम ने, वो आइडेंटिफाई करेंगे नॉन कोर असेट्स ऑफ द सीपीएससी को ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द नीति आयोग, और जो फाइनल कट है वो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हेडेड पैनल लेगा और उसके बाद आपको लिस्ट सौंप दी जाएगी, और इसके बाद जब ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म सामने आ जाएगा कंप्राइजिंग द फाइनेंस मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, और यहां पर 12 महीने का आपको समय दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सेल करनी है, अगर आप सेल नहीं करोगे तो आपका जो बजटरी सपोर्ट है उसको रोक दिया जाएगा। पेज नंबर 18 आपको खबर मिलती है फर्स्ट 3D प्रिंटेड हार्ट हैज ह्यूमन टिश्यू एंड वेसल्स। तो पहला 3D प्रिंटेड हार्ट की तस्वीर आप लोग राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, इजराइल के अंदर इसको यहाँ पे अनवील किया गया एक 3D प्रिंटेड हार्ट को, और आगे जाके हमारे सामने यहाँ पर ये एक बिल्कुल लिविंग हार्ट भी बनता हुआ नजर आएगा। तो पहली बार यहाँ पे सक्सेसफुली इंजीनियर किया गया है, प्रिंट किया गया है पूरे के पूरे हार्ट को जो कि रेप्लिकेट करता है विद द सेल ब्लड वेसल्स वेंट्रिकल्स एंड दी चैम्बर्स। लोगों ने मैनेज कर लिया है 3D प्रिंटेड हार्ट को बनाना बट नॉट विद द सेल्स एंड विद द ब्लड वेसल्स प्रीवियसली, और अब यहाँ पे सेल्स और ब्लड वेसल्स को भी लिंक आउट किया गया है, ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। साथ ही रिसर्चर्स को अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो रियल हार्ट की तरह बिहेव भी करे और उसके ऊपर जल्द ही काम भी चालू किया जाएगा। पेज नंबर 18 पे आपको एक और खबर मिलती है ग्लोबल मीजल्स केस अप बाय 300%। जो मीजल्स के जो केस हैं वो 300% से यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बढ़ गए हैं थ्रू दी फर्स्ट 3 months ऑफ 2019 कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, और यहाँ पे जो मीजल्स है वो बहुत ही कॉन्टिग्यूस डिजीज़ होती है जो उसको एंटायरली प्रिवेंट किया जाना चाहिए थ्रू अ 2 dose ऑफ वैक्सीन, पर यहाँ पे WHO ने इस चीज़ को देखा है कि ग्लोबल वैक्सीनेशन रेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है। ओके, तो मीजल्स के ऊपर यहाँ पर रोकने की यहाँ पर प्रक्रिया WHO ने चालू की हुई है। साथ ही पेज नंबर 14th of April, ओके 14th of April के पेज नंबर 13 पे एक और खबर मिली थी हमको ऑयल कंज्यूमिंग बैक्टीरिया फाउंड बिलो ओशन। तो यहाँ पे जो मारियाना ट्रेंच है जो कि डीपेस्ट पार्ट है हमारे अर्थ के ओशन का, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, एक इस तरीके का बैक्टीरिया मिला है जो कि ऑयल को यहाँ पर कंज्यूम कर लेता है, ऑयल को खा लेता है, ऑयल का इस्तेमाल एज अ फ्यूल वो करता है। तो उस बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे ऑयल स्पिल जैसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे काम चालू हो गया है। न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। आज की वीडियो का एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।